आप सभी का फिर से शांति निकेतन इंटर कॉलेज में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने अम्ल क्षार लवण के बारे में कुछ टॉपिक्स के बारे में बात किए थे, जिसमें अम्ल और क्षार के बारे में हो चुका है। आज हम जानेंगे तीसरा हमारा टॉपिक है जो मेन, लवण के बारे में। लवण क्या होता है इसको हम जानेंगे। तो आपको पहले बता दें, अम्ल प्लस क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इसी की बात होगी इस टॉपिक में कि लवण क्या होता है। परिभाषा आपको कैसे याद रखना है, देखिए क्या करना है। यहाँ पर देख लीजिए, अम्ल और क्षार की क्रिया हो रहा है, तो परिभाषा कैसे बनेगा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त जल के अलावा जो ठोस पदार्थ होता है उसे हम लवण कहते हैं। अपने भाषा में सिंपल सा, जैसे अम्ल हो गया या क्षार हो गया, आपस में क्रिया किए तो जल बनाए और लवण बनाए। जल तो ठोस होगा नहीं, तो लवण ठोस होता है, तो इसी को बोलेंगे परिभाषा में, मतलब कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि अम्ल क्षार के उदासनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। आप इसको ध्यान में देखिएगा, आप इसका परिभाषा आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो अम्ल और क्षार के उदासनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। यहाँ पे कोई भी अम्ल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बनेगा क्या, जल। जल को यहाँ से आप बाहर कर दीजिए, H2O, जल का सूत्र H2O होता है, बचा क्या, NaCl। तो हमने परिभाषा में बताया था किसी अम्ल और क्षार के उदासनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस, अगर देखा जाए तो यह आयनों के रूप में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, और इसी को हम बोलते हैं लवण। तो लवण में बस इतना याद रखना है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं, ठीक है। जो इसमें धन आयन होता है उसे क्षारी बोलते हैं, क्षारी मूलक बोलते हैं, और जो रीड होता है उसे अम्लीय मूलक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए, अगर NaCl है तो सोडियम प्लस यानी धन आयन को हम बोलेंगे क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक, ठीक। और जो Cl माइनस है क्लोराइड आयन, इसको बोलेंगे अम्लीय मूलक, ठीक। जो धन आयन होता है उसे हम अम्लीय क्षारीय मूलक बोलते हैं, जो ऋण आयन होता है उसे जो धन आयन होता है उसे क्षारीय मूलक, और जो माइनस होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। तो लवण में इतना है, और कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी आप अम्ल से क्रिया करा दीजिए। जैसे हमने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यहाँ पे हमने ले लिया मान लेते हैं कोई भी क्षार जिसमें OH हो, जैसे मान लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी अम्ल और क्षार की क्रिया होगा तो जल अवश्य बनेगा, तो आप बैलेंस करने के लिए तुरंत H2O एक तरफ लिख लीजिए, बाद में बैलेंस करेंगे, बचा क्या, H2O बाहर कर लिए, तो यहाँ से KSO4 पर यह सूत्र होता नहीं है, क्योंकि SO4 पे दो तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो K2SO4। अब इसको बैलेंस आप करिए, देखिए दो यहाँ पोटेशियम है, दो पोटेशियम करना पड़ेगा, तो यहाँ कर देंगे या फिर यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यह रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएगा। ऐसे आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो ये आपका K2SO4 क्या है, लवण है, यह जल आप पता ही है। तो लवण में बस इतना, आगे हम जानेंगे लवण का वर्गीकरण। अगला हमारा टॉपिक है लवणों का वर्गीकरण, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। लवणों का वर्गीकरण, लवण जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सामान्य लवण। सामान्य लवण क्या होता है, सामान्य लवण ऐसे लवण जिसमें न तो H प्लस हो न तो OH माइनस हो, इनके अलावा कोई दूसरा धन और ऋण आयन हो, उसे हम बोलते हैं सामान्य लवण। जैसे हमने कह दिया NaCl, तो यह सामान्य लवण है, ना इसमें H प्लस है ना ही OH माइनस है, धन और ऋण आयन है पर H प्लस नहीं है ना ही OH माइनस है, तो उसे सामान्य लवण बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए Na प्लस है, Cl माइनस है, ठीक। उसी तरह KCl हो जाएगा,
उसी तरह से आपका MgSO4 हो जाएगा। तो अब ये क्या है, सामान्य लवण है, ऐसे लवण जिसमें ना तो H+ हो ना तो OH- हो, तो उसे हम बोलते हैं सामान्य लवण। इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण अब क्या होगा, ऐसा लवण जिसमें अम्लता पाया जाए, मतलब वह थोड़ा अम्लीय हो, यानी थोड़ा उसमें या कम या ज़्यादा मात्रा में H+ हो, तो उसे हम बोलते हैं अम्लीय लवण। मतलब ऐसे लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन धन आयन होता है उसे हम बोलते हैं अम्लीय लवण। जैसे NaHCO3, ठीक है, जब इसको आप तोड़ेंगे तो ये अगर देखा जाए तो Na+, H+ और CO3 पे दो माइनस ऐसे टूटेगा। तो अब इस लवण में क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे H+ आप जानते हो अम्ल में पढ़े थे कि ऐसा यौगिक जिसमें H+ होता है वह अम्ल कहलाता है, तो इसमें H+ आ गया तो ये अम्ल हो गया, पर ये पूरा अम्ल नहीं कहोगे इसको। क्यों नहीं कहोगे, इसमें देखो देखो अम्ल में क्या होता है कि केवल H+ हो तो H+ हो, कोई दूसरा धन आयन ना हो, जैसे कि हमने यहाँ पे बता दे रहे हैं जैसे HCl है, यह अम्ल है, क्यों है, क्यों, क्योंकि इसमें H+ और Cl- यानी धन आयन है, तो धन केवल H+ ही है, दूसरा कोई धन आयन नहीं है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो Na भी धन आयन है और हाइड्रोजन भी धन आयन है, तो यहाँ पे यह अम्ल नहीं कहोगे, लवण कहोगे, कैसा लवण, अम्लीय लवण, क्योंकि उसमें अम्ल का गुण दिखाई दे रहा है, इसमें H+ है। तो अम्लीय लवण में क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा हो जाएगा कि वे लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पे क्षारीय लवण। क्षारीय लवण, क्षारीय लवण क्या होता है, क्षार किसमें होता है भाई, OH-, ऐसा लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रॉक्साइड आयन होता है, मतलब OH- होता है, उसे हम बोलते हैं क्षारीय लवण। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया MgOHCl। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, विस्थापनी OH- है, और OH- ही बताता है कि क्षारीय है, आपको चेक करके बता देंगे, अब देख करके कि जिसमें OH- आ जाए, जिस लवण में OH- दिखाई दे तो वह क्षारीय हो गया, H+ दिखाई दे अम्लीय हो गया। तो ऐसा लवण जिसमें विस्थापनी OH- उपस्थित होता है उसे हम बोलते हैं क्षारीय लवण, ठीक। ऐसे उदाहरण बहुत सारे हो जाएंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, हमारा अगला चौथा है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण, मिश्रित लवण में क्या होता है कि ऐसा लवण जिसमें दो या दो से अधिक धन आयन या दो या दो से अधिक ऋण आयन होते हैं उसे हम बोलते हैं मिश्रित लवण। ऐसा लवण जिसमें दो या दो से अधिक धन आयन हो या दो से अधिक ऋण आयन होते हैं उस लवण को हम बोलते हैं मिश्रित लवण। जैसे हमने लिख दिया NaKSO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी Na पे आप जानते हो प्लस होता है, K पे भी प्लस होता है, SO4 पे दो माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने बताया ऐसा लवण जिसमें दो या दो से अधिक धन आयन हो या दो से अधिक ऋण आयन हो, तो इसमें देखिए दो धन आयन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह मिश्रित लवण है, ठीक। उसी तरह हम ले लेते हैं दूसरा MgBrCl। मान लीजिए ये कोई लवण हो गया, अब इसमें देखिए क्या होगा, Mg पे 2+ हो गया, Br पे भी माइनस होता है, क्लोरीन पे भी माइनस होता है, इसमें दो से अधिक ऋणात्मक आ गए, अगर इसी जगह H+ आ जाता तो अम्लीय हो जाता, अगर OH आ जाता तो क्षारीय हो जाता, ठीक। अगर दोनों में से कोई नहीं होता, केवल एक H+ और एक सॉरी एक प्लस और एक माइनस होता तो वह सामान्य हो जाता, पर यहाँ पे दो या दो से अधिक ऋण आयन हो गए हैं अलग अलग, तो यहाँ पे क्या हो गया, यह मिश्रित लवण। नेक्स्ट हमारा है द्विक लवण। द्विक लवण,
नाम से ही द्विक मतलब होता है डबल, लवण मतलब साण, मतलब ऐसा लवण जिसमें दो हो, दो लवण आपस में मिले हुए हो, तो उसे हम बोलते हैं द्विक लवण। जैसे फिटकरी का नाम सुने होंगे, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राई डॉट 24H2O, इसका नाम सुने होंगे। इसमें आप देखिए दो लवण दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक पोटेशियम सल्फेट है, दूसरा एल्युमिनियम सल्फेट है, तो ये क्या हो गया, द्विक लवण। ये कैसे बनता है, दो लवणों के जलीय विलयन को मिला करके उसका वाष्पन कराया जाता है तो ये प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पहचान करने की बात आएगी तो आप पहचान आराम से कर लेंगे कि यह द्विक लवण है कि नहीं। भाई इसमें दो लवण दिखाई दे रहा है, एक पोटेशियम सल्फेट दिखाई दे रहा है और एक एल्युमिनियम सल्फेट दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लवण को हम क्या बोलेंगे, द्विक लवण। ठीक है, तीसरा और लास्ट आता है, सॉरी तीसरा कह रहा हूँ, छठवा संकर लवण। संकर लवण, संकर लवण में क्या होता है कि कुछ समूह ऐसे होते हैं जो उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं किसी भी धातु से, तो उसे हम बोलते हैं संकर लवण। उपसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, ये कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, वहाँ से सारे बंध के बारे में पता चल जाएगा। अगर नहीं भी आप पता कर पाते हैं तो कुछ दिन बाद क्लास 9th का क्लास शुरू होगा तो वह सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, कैसे आपका उपसंयोजक बंध होता है, कैसे वैधुसंयोजी बंध होता है, कैसे सहसंयोजी बंध होता है, यह सारी चीज़ें बात हो जाएगी। पर यहाँ पे बस केवल इतना ही जानना है संकर लवण में कि ऐसा लवण जिसमें कोई समूह या मूलक किसी दूसरे धातु से उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं संकर लवण। इसका पहचान है आपको इस तरह से, दिख कहीं भी दिख जाए K4Fe CN6, इस तरह बड़ा कोष्टक आपको दिख जाए कहीं भी, पहचान के लिए एक आइडिया लगाने के लिए कि यह कैसा लवण है, तो आप इस कोष्टक से समझ जाएंगे कि यह भाई क्या है, आपका संकर लवण है। ठीक है, इसी तरह से एक और ले लेते हैं, CuNH3 का 4 times, Cl2। अब इसमें भी देखिए बड़ा कोष्टक दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर एक धातु है, ये सब क्या होते हैं, NH3 जो होता है उपसंयोजक बंध द्वारा इस कॉपर से जुड़ा रहता है, उसी तरह यहाँ पे CN समूह जो है वह उपसंयोजक बंध द्वारा आयरन से जुड़ा होता है। तो इस तरह से आपका लवण हो गया। लवण क्या होता है, लवण कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 6 के बारे हमने जान लिया, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और संकर लवण, ये सब ऐसे आप पहचान कर लेंगे। इसके बाद कुछ इसमें लवण हैं जिनको बनाने की विधि पढ़ना है, प्रयोगशाला विधि पढ़ना है और उनका क्या उपयोग है, यह सब बात होगी। तो उसमें पहला आपका आ जाएगा, पहला आपका है क्षार में नंबर 1 पर आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, आप इसको याद रखिएगा, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका अणुभार आप निकाल लेंगे, अणुभार कैसे निकालेंगे, सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 = 40। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला यौगिक है, इसमें इसका जो अणुभार होता है 40 होता है। ठीक है, अब जानते हैं बनाने की विधि, बनाने की विधि इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, सोडियम क्लोराइड के यानी NaCl के जलीय विलयन मतलब H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बनाइए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, यहाँ से बनेगा और क्या बन सकता है, क्लोरीन गैस इसमें से निकलेगी और हाइड्रोजन गैस, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे तो H2 तो सही है,
यहाँ पे टू लगा देते हैं, यहाँ पे टू, तो यहाँ पर भी टू लग जाएगा बैलेंस करने के लिए। टू एन ए सी एल प्लस टू एच टू बराबर टू एन ए ओ एच प्लस सी एल टू प्लस एच टू, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाएं? सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है, बस इतना आपको याद रखना है रिएक्शन। इसके बाद इसका उपयोग जान लेते हैं, इसका उपयोग क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये क्षार है, सबको पता है कि ये क्षार होता है, तो यह विरंजक चूड़ का काम करता है HCl के साथ, यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिलते हैं तो विरंजक चूड़ बनाने में काम आते हैं। साबुन और अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट बोलते हो उसको बनाने में, धातुओं से ग्रीस को हटाने में, कहीं धातु है उसमें ग्रीस लगा है तो उसको हटाने में इसका प्रयोग होता है। बाकी सारी चीज़ें आप नोट से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बस यहाँ थोड़ा सा हमें समझाना है। अगला हमारा यौगिक है धावन सोडा। थोड़ा हो सकता है कि ये क्लास लंबा चले, पर यहाँ पे इसको ख़त्म करना है इस पार्ट को। दूसरा आपका है धावन सोडा, इसका जो अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O, ये आप याद रखिएगा धावन सोडा का अणुसूत्र। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये जल को हाइड्रेट बोलते हैं, 10 को बोलते हैं डेका, इसका नाम सोडियम डेका हाइड्रेट नाम हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। इसको बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि इसकी क्या है जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका विधि होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जाता है Na2CO3+H2O, ठीक है। तो क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट और जल हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप जान गए कि सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाएंगे। अगर सिंपल सा पूछा जाता धावन सोडा का नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बता सकते हो, पूरा पूछा जाता सोडियम डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट बता देंगे। इसके बाद है आपका है, इसका भौतिक गुण, भौतिक मतलब प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से कैसा यह दिखता है, इसका रंग क्या होता है, गंध क्या होता है, स्वाद कैसा होता है, इसके बारे में। तो इसका भौतिक गुण जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं PP, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी PP। इसका पहला भौतिक गुण है कि यह सफ़ेद रंग का ठोस होता है, यह जल में विलेय होता है, ठीक। इसके बाद इसका गलनांक जो होता है वह 850 डिग्री सेल्सियस होता है, गलनांक का मतलब जो गल जाता है, जिस ताप पे वह द्रव में बदल जाता है। तो इतना है। इसके बाद इसका रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण का मतलब होता है कि यह पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है या इस पे ताप दाब या किसी अन्य रसायन पदार्थ का प्रयोग करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसके गुण में क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में होता है रासायनिक गुण, ठीक है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3.10H2O, अगर इसको खुली हवा में छोड़ देते हैं, खुली हवा में छोड़ने पर क्या होगा, इसमें से एक जल का अणु बाहर हो जाएगा, यानी Na2CO3.9H2O बचेगा प्लस एक H2O बाहर निकल जाएगा। तो इसको अगर खुले हवा में छोड़ देते हैं तो इसके बाद अगला है इसका रासायनिक गुण जल अपघटन। नाम से लग रहा है जल अपघटन, मतलब कि इसको जल में डालेंगे तो क्या होगा, यानी जल अपघटन का मतलब सोडियम कार्बोनेट को जल में डालेंगे तो क्या बनेगा। तो डाल के देखते हैं Na2CO3+H2O क्या बन जाएगा भाई, देख लीजिए, थोड़ा सा बैलेंस करिए, मैनेज करिए। यहाँ से देखिए Na निकलेगा, यहाँ से OH, तो NaOH आप यौगिक का नाम पता है आपको, बचा क्या H2CO3, तो लिख देंगे H2CO3। थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पे बता दें, कभी कभी आप यौगिक बनाते हो कन्फ्यूजन होता है कि यही यौगिक एग्जैक्ट है कि कोई दूसरा है, चेक करने के लिए आप इसकी संयोजकता को चेक करो, Na का एक OH का एक बराबर सही है,
हाइड्रोजन का एक, कार्बोनेट का दो, अदला बदली करेंगे तो दो इसके सामने आया, एक इसके सामने, यानी H2CO3 इसका सूत्र होगा, कोई दूसरा नहीं होगा, यानी सही है। फिर इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट के Na2CO3 के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसका एक जगह और काम आएगा, यहीं बस छापना पड़ेगा आपको। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है, NaSCO3। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2Na है, Na2 है तो 2 लगा देंगे, बस काम बन गया, इतना ही सब क्रिया। फिर इसके बाद है अम्लों से क्रिया, मतलब सोडियम कार्बोनेट है उसका किसी अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, थोड़ा तेज होगा पर आप नोट से जब पढ़ेंगे याद करेंगे फिर से आप इसको रिवाइज करके तो आपको समझ में पूरा आएगा। अम्लों से क्रिया कराइए, Na2CO3 का यानी सोडियम कार्बोनेट का अम्ल से क्रिया कराइए किसी अम्ल से, जैसे मान लेते हैं हमने HCl से ही करा दिया, सिंपल यही दिमाग में आता है, आप कोई भी अम्ल ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दिखाई दे रहा है Na, यहाँ से Cl, आप जानते हो सोडियम क्लोराइड को हम जानते हैं, बचा क्या से, पिछले बार देखे थे H और CO3 से कुछ यौगिक बना था, क्या बना था, H2CO3। रह गई बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, क्यों, और यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पे Na2 है, इसको तो बदलेंगे नहीं, तो बैलेंस करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक कार्बोनेटों से क्रिया कराएंगे, सॉरी धातु कार्बोनेटों का वो क्षेपण यानी किसी क्षार से क्रिया कराएंगे, Na2CO3 प्लस किसी क्षार से, जैसे मान लेते हैं CaOH का ट्वाइस से करा दें, थोड़ा सिंपल पड़ेगा, तो आराम से यहाँ से देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा CaCO3 प्लस बचा क्या, ये और ये, 2Na बचा, 2OH बचा, इसका मतलब हम 2NaOH को लिख सकते हैं, है? अब ये आपका क्या हो गया, ये अवक्षेप बन गया, तो अम्लों से क्रिया क्षारों से क्रिया हो गया। अब इसका हम जान लेते हैं उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो कपड़े धोने में, साबुन बनाने में, जल की कठोरता में, तो पहला इसका उपयोग कपड़े धोने तथा साबुन बनाने में, जल की कठोरता दूर करने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता ऑप्शन में, आग बुझाने वाले यंत्रों में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता, तो आपको याद रखना Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद और सारे यौगिक हैं, उसको आप नोट्स की सहायता से पढ़ने का प्रयास करिएगा, इसमें कुछ रिएक्शन है आप बैलेंस कर लीजिएगा। इसमें अगला आपका थोड़ा सा बता देते हैं, खाने का सोडा है, ठीक, खाने का सोडा का सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, प्लास्टर आप पेरिस बोलते हैं, यह भी सिंपल सा है, इसको भी आप पढ़ लेंगे नोट्स से, याद कर लेंगे। फिर इसके बाद बिरंजक चूड़ है, इसको आपको याद रखना होगा, बिरंजक चूड़ के बारे में क्या होता है, इसका सूत्र CaOCl2, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे नज़रिए से, आप जितना अधिक से अधिक पढ़ लेंगे, याद रख लेंगे, वहीं बहुत पर्याप्त है। और थोड़ा इसमें रिएक्शन है, उसको आप अपने से बैलेंस करने का प्रयास करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।